कम फ्रेंड्स से जुड़े मैं आपको बताने वाला हूँ बैकअप लेने का तरीका। फ्रेंड्स आपके पास अगर लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, आपका कोई भी ड्राइव हो, सी ड्राइव हो, ई ड्राइव है, जो भी ड्राइव हो, अगर आपको उसका बैकअप चाहिए, आप बैकअप स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो आप मेरे बताए हुए मेथड से आप उस बैकअप को स्टोर करके अपने हार्ड ड्राइव में रख सकते हैं, आपके एक्सटर्नल ड्राइव में रख सकते हैं। फ्रेंड्स इसका इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका फाइल, आपका सिस्टम कभी भी करप्ट होता है, तो आप उस बैकअप को अपने सिस्टम में दोबारा से इंस्टॉल करके आप उस सिस्टम को रीजनरेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्या ऑप्शन है उसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ आप देख पा रहे हैं बैकअप एंड रिस्टोर विंडोज 7, तो यहाँ पर चले जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ पर देखें जैसे बैकअप ऑफ द रिस्टोर फाइल, तो क्रिएट अ सिस्टम इमेज, क्रिएट अ सिस्टम रिपेयर डिस्क। एंड फ्रेंड्स ये एक और तरीका है फ्रेंड्स इस इंटरफेस तक पहुँचने के लिए। उसके लिए वो क्या करना होगा, विंडोज आर प्रेस करेंगे। विंडोज आर प्रेस करने के बाद यहाँ पर टाइप करना है आपको SDCLT एंड इंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद फिर डायरेक्ट हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। फ्रेंड्स ये दो तरीके मैंने बता दिया आपको इस इंटरफेस पहुंचने के लिए। उसके बाद क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहां पर क्रिएट अ सिस्टम इमेज में जाएंगे क्योंकि फ्रेंड्स हमें सिस्टम इमेज क्रिएट करना है। तो चलिए यहां पर सिस्टम इमेज क्रिएट में चले जाएंगे। फ्रेंड्स यहां पर देख रहे हैं कुछ इस तरह का यहां इंटरफेस खुलकर सामने आया है, तो ये लोडिंग फॉर बैकअप डिवाइस ये कर रहा है, तो देखते हैं। ओके फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास एक 1 TB का एक हार्ड डिस्क है। तो देखिए ये जो है T7 नाम का एक हार्ड डिस्क है जिसमें हमारे पास केवल एक ही फाइल है, माई मल्टीमीडिया के नाम से एक फाइल है और कोई फाइल नहीं है। तो चलिए हम वापस उसी विंडो में चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बात कर रहा था, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये ओपन हो चुका है ऑन ए हार्ड डिस्क। ये मेरा यही हार्ड डिस्क है जो कि 832.36 GB फ्री है। फ्रेंड्स अगर आपको बैकअप चाहिए रहेगा, आप अपने SSD में बैकअप स्टोर करना चाहते हैं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में, तो फ्रेंड्स आपको करना क्या रहता है कि आपको ज़्यादा स्टोरेज का एक हार्ड ड्राइव आपके पास होना चाहिए ताकि आप आसानी से अपने बैकअप को इसमें इंस्टॉल कर सके, स्टोर करके रख सके। फ्रेंड्स अगर आप चाहे तो किसी और भी कंप्यूटर में भी आप अपना बैकअप को इंस्टॉल करके रख सकते हैं, किसी और भी ड्राइव में आप बैकअप को स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे न्यू फोल्डर ई मेरे पास ऑप्शन आ रहा है और मल्टीमीडिया, ये दो मेरे और ये ड्राइव हैं, तो कंप्यूटर के ही ड्राइव है ये दोनों, तो आप इसमें भी बैकअप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आपका कंप्यूटर प्रॉपरली पूरी तरीके से करप्ट हो जाता है, तो फ्रेंड्स इस केस में आप अपने बैकअप को यूज़ ना कर पाएंगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और जितने फाइल जो भी चीज़ें आप सबको खो चुके होंगे। तो सबसे अच्छा तरीका फ्रेंड्स है कि आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को यूज़ में लाना चाहिए। फ्रेंड्स ये मेरा रिकमेंडेशन, आपको ऐसे ही करना चाहिए। फ्रेंड्स उसके बाद ऑप्शन है यहाँ ऑन वन ऑफ और मोर DVDs। तो फ्रेंड्स आपके पास DVDs ज़्यादा हैं तो ये यूज़ में ला सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये आई थिंक आप बैकअप स्टोर करने जाओगे तो आपका 2, 5, 10 DVD यूज़ में हो सकता है आपके बैकअप के साइज़ के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स ये भी उतना कारगर तरीका नहीं होगा मेरे हिसाब से, फ्रेंड्स चॉइस आपका है। लेकिन चलिए हम यहाँ पर अपना पहले क्या करते हैं, ऑन ए हार्ड डिस्क में यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर T7 सेलेक्ट कर लेंगे। T7 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ऑप्शन पूछा जा रहा है सिस्टम के लिए, सी के लिए, ये दोनों ऑलरेडी सिलेक्टेड है पहले से ही, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसकी। तो आप चाहें तो इसे हटा तो नहीं सकते, लेकिन इसमें और ये चीज़ आप इंक्लूड कर, जैसे मल्टीमीडिया ड्राइव मेरा एक है, एक न्यू फोल्डर ई ड्राइव है, तो आप इसे भी इंक्लूड कर सकते हैं आप अपने कंप्यूटर के सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, ये आपकी मर्ज़ी है। तो फिलहाल देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल स्पेस 309 GB की है और यहाँ पर यूज्ड स्पेस 102 स्पेस यूज्ड है। तो फ्रेंड्स 110 GB का मेरा बैकअप है ऑलमोस्ट, तो इसे ही हमें अपने एक्सटर्नल ड्राइव में लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मल्टीमीडिया और न्यू फोल्डर ई को सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि हमें केवल सी को चाहिए। चलिए फ्रेंड्स इतना करने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट को प्रेस कर देते हैं। नेक्स्ट हमने करने के बाद यहाँ पर लिखा है स्टार्ट बैकअप, तो यहाँ पर लिख रहा है सिस्टम सी का ही केवल बैकअप चाहिए। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देख पा रहे हैं जैसे कि फ्रेंड्स ये एक ग्रीन पट्टी चालू हो चुकी है जैसे कि कॉपी पेस्ट में होता है, तो उसी तरह से कुछ इस यहाँ पर प्रोसेस चालू हो चुका है। ये देखिए कब तक होता है, तो थोड़ा समय लग सकता है फ्रेंड्स, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपका साइज़, कितना आपका बैकअप साइज़ है उसके अनुसार। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिख रहा है डू यू वांट टू क्रिएट अ सिस्टम रिपेयर डिस्क, डेफिनेटली नॉट फ्रेंड्स, मैं नहीं अभी क्रिएट करना चाहता हूँ।
तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम कर देंगे नो। अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन पूछेगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है फ्रेंड्स, जैसे कि आपके पास डीवीडी राइटर होगा तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर डिस्क डालेंगे डीवीडी राइटर में अपने, और उसके बाद वहाँ पर क्रिएट डिस्क कर देंगे। मैं नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पर, इसलिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसे यहाँ पर कैंसिल कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये होने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिख द बैकअप कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर इसे हम क्लोज कर देंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाया तो अपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में, तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर विंडोज़ इमेज बैकअप के नाम से एक हार्ड डिस्क यहाँ पर एक फाइल तैयार हो चुका है। तो चलिए इसमें एंटर करते हैं और इसे कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख रहा है डेस्कटॉप करके एक आ रहा है, तो इसे भी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे कि ये कुछ 5 एक फाइल में एक हमारा बैकअप रेडी हुआ है, जिससे सब में परमिशन पूछता है। चलिए फ्रेंड्स हम बैक चले जाते हैं, ये कुछ बैकअप हमारे रेडी हो चुका है। और यहाँ साइज़ हम देख लेते हैं इसकी कितनी हो रही है अभी, तो इसकी साइज़ है फ्रेंड्स 75.58 GB। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा सी ड्राइव का बैकअप एक्चुअली रेडी हो चुका है। तब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से तो हमने फ्रेंड्स बैकअप ले लिया, अभी हम इस बैकअप को यूज़ कैसे करेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स इस चीज़ को मैं करके आपके सामने दिखाता हूँ। यहाँ पर रिकवरी बैकअप रेडी कर लिया है फ्रेंड्स अपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में। तब यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इस चूज एन ऑप्शन में जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, अगर आप HP का लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स ये आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप F11 प्रेस करके जा सकते हैं, या फिर कोई और अदर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ नीचे ऑप्शन आपको रहता है कि आपको किस तरह से रिकवरी मोड में जाना है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर अगर आ जाएंगे तो फिर एक्चुअली मैं विंडोज़ 10 यूज़ करें और 8 और 10 में आई थिंक इस तरह कुछ ऐसा ही इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, सेम रहता है फ्रेंड्स। अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रबल शूट ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको 5 ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको कहीं नहीं जाना है कि ट्रबल शूट ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ देख रहे पा रहे हैं आप, जैसे कि यहाँ पर है एडवांस ऑप्शन, तो एडवांस ऑप्शन में यहाँ पर जा करने जाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन मिलता है देखने को, जैसे सिस्टम रिस्टोर, सिस्टम इमेज रिकवरी एंड स्टार्टअप रिपेयर, कमांड प्रॉम्प्ट, और भी है फर्मवेयर एंड स्टार्टअप सेटिंग। ओके, यहाँ के बाद चले जाएंगे फिर सिस्टम इमेज रिकवरी में। सिस्टम इमेज रिकवरी के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि रवि नाम पर आ गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट सिस्टम इमेज बैकअप में चले जाना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि, तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देखिए यहाँ लोकेशन ऑटोमेटिक ले लिया T7F जो कि मेरा था एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। तो इसके बाद हमने आप चले जाएंगे यहाँ, उसके बाद फ्रेंड्स दिख रहे हैं 11/8/2020 का है। उसके बाद ये 5:35 और ये टाइम कुछ दिखा रहा है, GMT ऐसे दिखा रहा है फ्रेंड्स, और ये कंप्यूटर डेस्कटॉप का यहाँ पर नाम दिखा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ जाने के बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट सिस्टम इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ अलग है आपके पास तो, या फिर हम यहाँ पर दिख रहा है यूज़ द लेटेस्ट अवेलेबल सिस्टम इमेज, तो ये लेटेस्ट ही ऑटोमेटिकली ले लेता है ये। तो उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर भी नेक्स्ट, और उसके बाद आप जब फिनिश करोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, सिस्टम रिकवरी शुरू हो जाएगा और आपका जो लेटेस्ट है वो आपका लेना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हम कर देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। अगर आप यहाँ पर कंटिन्यू करोगे तो फ्रेंड्स यहाँ क्या होगा कि अगर आपका सिस्टम करप्ट हुआ रहेगा और आपने इसे यूज़ किया है तो फ्रेंड्स वो रिकवर होकर वापस से रिजनरेट हो जाएगा सिस्टम और प्रॉपर वर्क करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, अच्छा लगता है, तो फिर इस वीडियो कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसी चैनल पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक का वीडियो जानना है तो फ्रेंड्स हमें कर दीजिए कमेंट। अभी देख लेते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू।